आज बनाएंगे गोभी की एक लाजवाब सब्जी जो आप अपने घर के किसी मेन ओकेजन पे बना के सर्व कर सकते हैं। बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसे सिंपल बेसिक मसालों के साथ आप इसे बना के तैयार कर लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे गोभी दो प्याजा जिसकी क्रीमी ग्रेवी बहुत ही लाजवाब होती है और गोभी और प्याज का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बनता है। बनाना भी बहुत आसान है, तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक करें। इसके लिए मैंने 500 ग्राम गोभी ले ली है जिसके फ्लोरेट्स को मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस में काटे हैं। इस तरीके से देखिए, अच्छी तरह से इसे क्लीन करके वॉश कर लिया है। और इसके साथ ही हमें चाहिए एक बड़े साइज़ का प्याज जिसके एक एक लेयर को हम अलग कर लेंगे। प्याज को छीलने के बाद 4 टुकड़ों में काट के उसके एक एक पेटल को अलग कर लीजिए। अब सबसे पहले पैन में तेल गरम करेंगे, 1/4 कप तेल है यहाँ पे, और इनमें हम गोभी को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और बीच बीच में इसे चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। लगभग 5 से 6 मिनट में ही ये फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें पूरी तरह से कुक नहीं करना है, बस इनके ऊपर जो लेयर दिख रही है आपको, बस इतना ही हमें इसे फ्राई करके बाहर निकाल लेना है। तो जैसे ही ये निकालने पे हो तो उसी समय हम इसमें प्याज के पेटल जो हमने अलग करके रखे थे वो हम डाल देंगे और उसे सिर्फ 1 मिनट के लिए गोभी के साथ ही मिक्स करते हुए भून लेंगे। प्याज का कलर जैसे ही गुलाबी हो जाएगा हम दोनों को बाहर निकालेंगे। तो साथ साथ ये काम हो जाता है, आप चाहें तो दोनों को सेपरेटली भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और इस तरह से इसका टेक्सचर आएगा। तो इसे बाहर निकाल लेते हैं और जो भी एक्सेस ऑयल है हम उसमें ग्रेवी बना लेंगे। तो लुकवाइज ये इस तरह से दिखेगा। अब पैन में जो तेल बचा है उसमें डालेंगे हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी और 2 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। पहले इसे एक बार मिक्स कर लीजिए। अब मिलाने के बाद यहाँ पे 1 तेज़पत्ता को तोड़ते हुए ऐड कर दिया है मैंने। मसाले जैसे ही भुन जाए इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, यहाँ पे 1/2 कप ले लिया है मैंने। प्याज को मीडियम फ्लेम पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है हमें। जब प्याज अच्छी तरह से भुन जाए तब डालेंगे इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट लगभग 1 टेबल स्पून। इसे भी अच्छी तरह से भून लीजिए जब तक इसका कच्चा फ्लेवर पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। तो 1.5 से 2 मिनट में ये अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाएंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट भुन जाएगा तब डालेंगे इसमें सूखे मसाले जो कि बेसिक हैं, रेगुलर कुकिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डाला है मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। मसाले की क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर भी। और सूखे मसाले जल ना जाएं इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर दीजिए लगभग 2 चम्मच के बराबर, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनेंगे लगभग 1 मिनट तक। तो यहाँ पे मसाले को हमने 1 मिनट तक भुना है। अब बारी आती है इसमें नमक ऐड करने की स्वाद के अनुसार, तो मैंने 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड कर दिया है। अब नमक डालने के बाद मसालों को तब तक भूनते रहिए जब तक इसमें से तेल पूरी तरह से अलग ना हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसे भूनेंगे। 3 से 4 मिनट में मसाले अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं तेल पूरी तरह से अलग हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम या फिर दूध की मलाई, अगर आप स्टोर करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे ग्रेवी में एक रिचनेस आएगी, एक ब्राइटनेस आएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह से हम भूनते हुए क्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम पूरी तरह से लो रखना है। जब आपको लगे कि क्रीम के साथ अच्छी तरह से मसाले मिल चुके हैं, तेल पूरी तरह से अलग दिख रहा है, तब हम इसमें ऐड करेंगे गोभी और प्याज को जिसे हमने फ्राई करके पहले से रखा हुआ था। तो इसे ऐड कर दीजिए और मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उससे पहले इसमें ऐड कीजिए थोड़ा सा कसूरी मेथी जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है इसको। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मसाले के साथ हमें इसे कोट कर लेना है। तो मसाले के साथ गोभी को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे लगभग 1/4 कप के बराबर। तो जिसमें क्रीम था बॉल में उसी में मैंने पानी डाल के ऐड कर दिया है। और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप टमाटर इस तरह से ऐड करना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। लुकवाइज बस देखने में ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। पानी डालने से गोभी पूरी तरह से डन हो जाएगी। लो फ्लेम पे हम इसे कवर करते हुए पकाएंगे। वैसे फ्राई करते समय ये 60% तक डन हो जाती है, तो थोड़ा सा इसे हम और कुक करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे पानी ऐड किया है। अब मिलाने के बाद कवर कर दीजिए पूरी तरह से लो फ्लेम पे और लगभग 5 से 6 मिनट के बाद आप देखेंगे गोभी अच्छी तरह से पक चुका होगा
और यहाँ पे आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, बिल्कुल इतनी ही है जितनी कोट हो सके गोभियों के ऊपर। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर करना। कम एफर्ट में एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनाएंगे आप। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी बाकी बनाई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक्स पे क्लिक कीजिए और उसे भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।